बाराबंकी में फर्जी वोटिंग को लेकर मचा बवाल। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद फैसल पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप। अपनी बहन से दो बार वोटिंग कराने का लगाया गया आरोप। उंगली से इंक मिटवाकर दोबारा वोटिंग कराने का आरोप। भाजपा प्रत्याशी रितु कश्यप निर्दलीय कमलेश शुक्ला ने लगाया आरोप। बूथ पर प्रत्याशी और पुलिस में जमकर हुई बहसबाजी। नगर पालिका परिषद अंतर्गत नेहरू नगर वार्ड का पूरा मामला। निर्दलीय प्रत्याशियों नेहरू नगर वार्ड से पूर्व में भी सभासद रहा। मेरी बहन वोट छोड़ने आई। यहाँ के ऊपर लोग हमारी बहन का पासपोर्ट सरकार द्वारा जब्त कराया गया। यहाँ के खुली गुंडाई हो रही है, रफंगई हो रही है। यहाँ के ऊपर ये अधिकारी खड़े हैं, ये सब मिले हैं। सारी महिलाएं पुरुष सब मिल करके शोषण कर रहे हैं। यहाँ के ऊपर तानाशाही हो रही है। बहन से महिला ने पासपोर्ट लिया कि पुरुष? जितने भी ये लोग यहाँ प्रत्याशियां थी ये सब चिल्ला रही थी, सब एक हो गई। प्रत्याशियों का आरोप है कि वो दोबारा वोट डाले। अरे दोबारा था ही तो पहले गलत था तो पहले रोकती ना। दोबारा वोट छोड़ने आए तो रोकोगे नहीं? वोट पड़ चुका है, दोबारा छोड़ने आए तो आप क्या कर रहे हो? एजेंट क्यों बने हो? प्रत्याशी क्यों खड़े हो यहाँ पे दोबारा आए? तो ये आपकी कमी, मेरी कमी नहीं है, लेकिन गलत आप अनर्गल का आरोप लगा रहे हो। दोबारा कैसे आएंगी? एक आईडी पासपोर्ट सबसे लीगल ऑथोराइजेशन होता है, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ के अधिकारी मौके पे बता रहे हैं कि पासपोर्ट फर्जी, उसकी जांच होगी। पासपोर्ट फर्जी बनता है? आप पासपोर्ट फर्जी की जांच करा दीजिए। इनका लीजिए वर्जन, इन्होंने क्यों कहा मुझसे कि पासपोर्ट फर्जी है? इस तरह से मतलब ये होगा? यहाँ पे सर समाज को मैं लेके चलने वाला इंसान हूँ, लेकिन इस तरह से आप लोग करिएगा? सरकार की नीतियों का इस तरह दुर्प्रचार करिएगा? गरीब जनता भी मुझको वोट दे रही है। यहाँ पे सारे ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। यहाँ पे निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस तरह आप लोग दबाव बना रहे हैं। मेरी बहन है सिर्फ, की इस वजह से शोषण करिएगा? नहीं, गलत चीज है। और यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा, सिर्फ एजेंट है, एजेंट रहेगा। पीठासीन अधिकारी अगर बताएं कि यहाँ पे कितने लीगल और ऑथोराइजेशन, किस किस आईडी से आदमी वोट छोड़ सकता है। मैं श्रीमती कमलेश शुक्ला, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ नेहरू नगर वार्ड 24 से। उगता सूरज मेरा निशान है, हम लोग यहाँ पर प्रत्याशी हैं। हम लोग वोट फर्जी रोकने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि फर्जी वोटों का बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने इस पे एक बनाया था कि इस बार फर्जी वोट नहीं पड़ने देंगे। उसी के तहत दो सवेरे हम लोगों ने वो किया, अंदर जाकर तो पता चला फर्जी, उनको हटाया गया, स्कैम किया गया। तीसरा, तीन वोट ऐसे भगाए गए। इसके बाद सुरमई कलर का सूट पहनी थी, ऊपर से वहाँ से वोट डाल के पहला आई। इसके बाद दूसरा वोट फिर उन्होंने डाला। जब हम लोग ऐसे कर तो हाथ कांप रहा था और उसके किनारे लगा हुआ था। पीठासीन ने कहा कि जो है अगर इसका पासपोर्ट सही है, नाम सही है तो डाला जा सकता है। इसका मतलब वो पहले जो है दूसरे के नाम पे वोट डाल के गई हैं, अब की बार अपना वोट डाल के गई। ये है हाल। बीएलओ ने खुद पकड़ा। शिकायत हम लोगों ने अंदर किया, वो इतना लड़ाई कर रही थी कि हाथ फटक रही थी, फटक के भाग ली। जी सर, मेरा नाम रितु कश्यप है, मैं नेहरू नगर वार्ड से बीजेपी से हूँ। क्या क्या घटना घटी है? क्या घटना घट गया सर? अंदर जो है मैं गई थी, वहाँ पर वोट पड़ रही थी, मैंने देखा, मुझे शक हुआ कि ये वोट जो है फर्जी वोट है। जब मैंने उनसे कहा कि मैम आप ये सेकंड टाइम आ रही है, उन्होंने कहा नहीं मैं सेकंड, मैंने कहा नहीं आप ये सेकंड बार, मैंने उनसे तीन बार सवाल किया, कह रही नहीं ये नहीं है, कह रही ये मेरा लीगल है। मैंने कहा ये अनलीगल है, लीगल नहीं है। कह रही आप कौन होती है पूछने वाली? मैंने कहा मेरा हक बनता है पूछने का, मैं प्रत्याशी हूँ, आप पहले जा चुकी, मैंने आपको देखा है। तो कह रही नहीं आप झूठ बोल रही हैं। हमने कहा झूठ क्यों बोले? आप मुझे अपना आधार दिखाइए पहले। कह रही आधार नहीं है मेरा, पासपोर्ट। हमने कहा पासपोर्ट से नहीं होगा, आधार दिखाइए, चेक कराइए। कह रही नहीं मैं तो डालूँगी। तो वहाँ पर उनका क्या नाम था? सर जो बैठे थे आ? जो सर बैठे थे पीठासीन अधिकारी। हाँ, पीठासीन अधिकारी बैठे थे, वो कह रहे नहीं मैडम। मैंने कहा नहीं ये अनलीगल वोट डाल रही। तो उन्होंने मुझसे जो है बदतमीजी से बात की, कह रही तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो करना है कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं अब ये डालने नहीं दूंगी। जब तक मैंने और किसी को बुलाना चाहा तब तक उसने मोहर लगा दी। क्या पासपोर्ट लीगल आईडी में नहीं आती क्या? पासपोर्ट लीगल में आती है, लेकिन भैया जब एक बार निशान लग चुका है। इससे पहले क्या किस पे वोट दिया उन्होंने? इससे पहले कैसे? पासपोर्ट तो उन्हीं का था ना। पासपोर्ट नहीं, किसी और के नाम से उन्होंने डाला। तो फिर पहले कैसे डाल लिया? अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने निशान देखा। बाराबंकी से साफ मुख्तार की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।